आजमगढ़ के सदर तहसील के अंतर्गत गंभीरबन में नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालय का समारोह पूर्वक लोकार्पण हुआ, जहां मौजूद अतिथियों संघ बच्चों शिक्षकों ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के हाथों हो रहे अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को एलईडी पर भी देखा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एमएलसी यशवंत सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज कुमार श्रीवास्तव, बीजेपी आजमगढ़ जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल व सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता, उप श्री आयुक्त राजेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आजमगढ़ के अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण 63 करोड़ की लागत से हुआ है और इसमें आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। श्री विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षण का कार्य होना है। फिलहाल पहला बैच इस वर्ष से शुरू हो जाएगा। सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों की ओर कोविड काल में मृत लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें मल्टी टास्क स्टाफ की नियुक्ति की गई है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी किए गए हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ ही शिक्षणोत्तर गतिविधियों के लिए सभी संसाधन यहां पर मौजूद है। ये उम्मीद की जा रही है कि यहां से निकलकर बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। आज लोकार्पण हो गया है अटल आवासीय का, तो किसकी निगरानी में यहाँ देख रेख की जाएगी और किस तरह की सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी बच्चों को, जिससे बेहतर सुविधा? अटल आवासीय विद्यालय जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उसके द्वारा ये संचालित किया जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 63 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। अब इसका संचालन यहाँ का मुखिया उप प्रधानाचार्य हैं और उनकी जो अध्यापकगण हैं वो शिक्षा बच्चों को दिलाएंगे, और भी जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की वो भी प्रारंभ करेंगे, और इसके बाद में जो एक नोडल डिपार्टमेंट के रूप में हमारा श्रम विभाग काम करेगा। यदि कभी बच्चे को के संबंध में कोई भी उनके खाने से लेकर उनके पढ़ने तक की सारी व्यवस्था श्रम विभाग देखेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी में अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण के साथ ही उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय जो मंडलों में स्थापित किए गए हैं उनका लोकार्पण किए कर दिया गया है। बच्चों को मैं प्रायः ये कहता हूँ कि आपको जो लेबर या श्रम से जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चों को अगर यहाँ पर विद्यालय में इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है स्मार्ट क्लास के जरिए। आज अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण हुआ है, इस उपलक्ष्य में आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की योजना है, किस तरह से गरीबों को लाभान्वित करेंगे? देखिए, अनाद काल से भगवान राम को इसलिए कहा जाता है कि वह दीन जनों की भूख प्यास में मिलते हैं। आज वर्तमान सरकार ने इस दिशा में बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को, राजमहलों में रहने वाले को जो सुविधा है उस सुविधा को दिया है। हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त होगी वो सुविधाएं, हमारे शिक्षक उसको इस तरीके से प्रशिक्षित करेंगे कि यह देश ताकतवर होगा। पहले एक कहानी होती थी, चेर छोड़ हम होम रानी, अब सब राजा होंगे, सब इस देश के मालिक होंगे, ये सपना इस आवासीय विद्यालय से शुरू हो रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को तो बच्चे हैं, वो तो अध्यापक जैसा शिक्षित करेंगे, शिक्षित होंगे अभी बहुत।